वेलकम बैक टू अवर चैनल माई स्पेस माई लिविंग। आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ क्लीनिंग हैक्स आपके होम एंड किचन से रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट WD-40। दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर योर किचन एंड होम, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। This is WD-40 and this is a very versatile product. अगर आप मेरी बात माने तो ये प्रोडक्ट हमारे सभी के घरों में होना ही चाहिए। It is very versatile product. ये हमारे घर के लिए बहुत यूजफुल है। It help you to lose the rust. जो भी जिन प्रोडक्ट में रस्ट लग जाती है ये उसको निकालने के तो काम आता ही है, और साथ में it help to freeze the sticky mechanism from any product. किसी भी सरफेस में से ये स्टिकी mechanism को easily रिमूव कर देता है। यह प्रोडक्ट हमारे घर और हमारे किचन के लिए बहुत ही यूजफुल है, जो मैं आगे इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। यू कैन यूज 2 स्प्रे वेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो स्प्रे का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप किसी भी चीज को पास में यूज कर रहे हैं वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में ही इसके संग ये ट्यूब आती है। अगर कहीं कहीं जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता या काफी ऊंचाई में है, उसके लिए आप इस ट्यूब का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को यूज करना काफी कन्वीनियंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरे पास एक ब्रास की एक प्लेट है जिसको मैंने काफी टाइम से क्लीन नहीं किया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ से डस्ट जो है, डस्ट पार्टिकल्स अच्छे से स्टिक हो चुके हैं, अच्छे से जम चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस स्प्रे को यहाँ पे इसमें स्प्रे कर दूंगी, अच्छे से स्प्रे को अच्छे से स्प्रेड आउट कर दूंगी पूरी प्लेट में, और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे मैं एक स्क्रबर की हेल्प से इसको स्क्रब कर रही हूँ, और आप ध्यान से देखेंगे कि धीरे धीरे जो इसके जो रेसिड्यूज़ है वो यहाँ से निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और इसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये जो इसमें स्टिकी पार्टिकल्स है, जो स्टिकी जो मटीरियल है इसके अंदर, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो काफी अच्छे से निकल चुके हैं, और इसको वाइप करने के बाद ये कुछ इस तरह लग रही है ना, लग रही है बहुत ब्यूटीफुल सी एंड बहुत क्लीन सी। तो आप इसको ध्यान से जब देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि इसमें से लगभग सारे स्टेन्स जा चुके हैं, और जो इसका स्टिकी मैकेनिज्म था इस प्रोडक्ट का, उसकी हेल्प से ये प्लेट बिल्कुल चमक चुकी है। नेक्स्ट मैं इस प्रोडक्ट की हेल्प से क्लीन करने वाली हूँ मेरी सिल्वर की घंटी, मतलब कि ये मेरे मंदिर की घंटी है, सिल्वर की, चांदी की है। इसको भी हम इसी स्प्रे के थ्रू क्लीन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। यहाँ पे मैंने इस ट्यूब से इस स्प्रे की हेल्प से इसको इसके ऊपर ये स्प्रे कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब एक ब्रश की हेल्प से हम इसको स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे जो इसके अंदर जो ब्लैकनेस थी ये खत्म होती जा रही है, जो ये मैल जिसे आप कह सकते हैं, डर्ट जिसे आप कह सकते हैं, ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया है। और इसको क्लीन करने के लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ईजिली इसने इस घंटी को क्लीन कर दिया है। तो रिजल्ट आपके सामने ही है। आपने देखा कि इसने मेरी चांदी की घंटी को कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है और चमकदार बना दिया है। नेक्स्ट मेरे पास ये ब्लैक मेटल के एलिफेंट्स हैं, सेट ऑफ 3, जो ऑलमोस्ट 10 ईयर पुराने हैं। तो चलिए इसकी चमक भी वापस आती है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने WD-40 स्प्रे इन सब के ऊपर स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद देखेंगे, मैंने इनको थोड़ा स्क्रबर की हेल्प से स्क्रब करना स्टार्ट किया है, और आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे इसमें चमक आ रही है। तो ऑफ कोर्स ये चांदी की तरह तो नहीं चमकेंगे क्योंकि ये बिल्कुल वाइट मेटल नहीं है, दिस इज़ द ब्लैक मेटल, पर आप नोटिस करेंगे कि ये काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है, और उसमें काफ़ी अच्छी शाइन वापस आ चुकी है, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखिए वाइप करने के बाद ये कुछ इस तरह लग रहे हैं। वाओ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ये काफी क्लीन हो चुके हैं, काफी शाइन मार रहे हैं। वाओ, सो आई कांट बिलीव दिस कि मेरा 10 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट वापस से इतना चमकदार एंड शाइनी हो चुका है।
अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह के मार्कर के निशान आप इजीली देख सकते हैं अपने वार्डरोब्स में। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सूखे कपड़े की हेल्प से इसको क्लीन करने की कोशिश की तो ये नहीं क्लीन हुआ। यहाँ पे मैंने WD-40 स्प्रे को इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है और आप खुद ही देख लेंगे कि इन सेकेंड्स इसका जो डर्ट है, जो इसके रेसिड्यूज है, वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मैं एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इसको क्लीन करूंगी और देखिए विद इन अ सेकंड ये एकदम से क्लीन हो गया है। वाओ, इट इज सच अ अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए तो ये मस्ट बाय है ही। तो वाओ, इसके यूज के बाद आप देख ही सकते हैं कि मेरा वार्डरोब कितना क्लीन हो चुका है। ये मेरे किड्स बेडरूम का बेड है और यहाँ पे आप कुछ निशान देख रहे हैं स्टिकी स्टिकी से। मेरी बेटी ने बहुत सारी ड्राइंग्स बना के पेपर यहाँ पे पेस्ट कर दिए थे जो मेरे से कभी नहीं निकल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की तो वो नहीं निकले। तो यहाँ पे देखिए मैंने WD-40 को इसमें स्प्रे कर दिया है और एक स्क्रबर की हेल्प से आप देखेंगे मैं इसको स्क्रब करना स्टार्ट करूँगी। तो आप देख रहे हैं जो पेपर इसके अंदर जो स्टिक हो गए थे, जो किसी चीज़ से नहीं निकल रहे थे, वो इस स्प्रे की हेल्प से एकदम से वहाँ से निकल गए और स्क्रबर की हेल्प से वो बिल्कुल क्लीन हो गए। Awesome results. अब देखिए मैं नीचे वाले को भी क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा WD-40 का यहाँ पे स्प्रे कर दिया है और इसको थोड़ी देर में मैं इसमें स्क्रब करूंगी। अब एक स्क्रबर की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे स्क्रब करना स्टार्ट करूंगी। तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर दूंगी, इसको वाइप कर दूंगी और वाइप करने के बाद मेरा जो हेड बोर्ड है, मतलब कि जो बेड का जो बोर्ड है, वो इस तरह लग रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड शाइनी। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। सच में अगर आपके घर में बच्चे हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके लिए तो ये प्रोडक्ट मस्ट बाय है। अगर आपके भी टाइल्स में इस तरह के पेंट के निशान रह गए हैं तो इनको आप क्लीन कर सकते हैं WD-40 की हेल्प से। मैंने भी यहाँ पे WD-40 स्प्रे यहाँ पे कर दिया है और स्क्रबर से स्क्रब करने के बाद आप रिजल्ट देखिए। वाओ, मैजिक, बिल्कुल क्लीन हो गई है ये टाइल्स, अमेजिंग। आप भी अपने टैप्स में इस तरह के वाटर स्टेन्स के निशान देखते ही रहते होंगे जिनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन मैं WD-40 को यहाँ पे स्प्रे कर दूंगी। आप देखिए इसको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है और इस ट्यूब की हेल्प से जो ये कोने कोने में जो जगह है वहाँ पे मैंने इसको स्प्रे कर दिया है, जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जा सकते उन कोनों में मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर दिया है। अब एक स्क्रबर की हेल्प से मैं इसको हल्के से स्क्रब कर दूंगी, बिल्कुल लाइट हैंड, क्योंकि कहीं इसमें स्क्रैच ना पड़ जाए, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल लाइट हैंड मैंने इसको हल्के हाथों से इसको स्क्रब कर दिया है और उसके बाद मैं एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इसको क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखा आपने, इस फाइबर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, अच्छे से वाइप कर दिया है और रिजल्ट आपके सामने ही है। तो आपने देखा कि टैप कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। ऐसा बहुत बार होता है कि खाना बनाते समय कुछ हल्दी के दाग आपके स्लैब में रह जाते हैं, किचन काउंटर में रह जाते हैं। जब हम इनको एक क्लॉथ की हेल्प से क्लीन करते हैं तो भी ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत हल्दी के निशान बचे हुए हैं। अब जो ये मार्क्स अभी नहीं गए हैं, इनके ऊपर मैं WD-40 का स्प्रे करूंगी यहाँ पे। आप देखिए एंड रिजल्ट आप खुद ही देखेंगे। स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद एक स्क्रबर की हेल्प से हम इसको हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे और आप खुद ही देख रहे हैं कि जो हल्दी के जो निशान है वो धीरे धीरे निकल गए। आपको हल्का हल्का पीलापन नजर आ रहा होगा जो निकल रहा है इस स्लैब में से। अब एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से हम इसको क्लीन कर देंगे
और आप देखिए रिजल्ट्स आपके सामने ही है। मेरा जो ये कॉर्ड्स है, जो ये स्लैब है, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। कई बार हम नोटिस करते हैं कि हमारे दरवाजों में एक स्क्विक्स के साउंड्स आते हैं, जैसे कि चिर चिर की जो आवाज़ कहते हैं ना, उस तरह की। उसके लिए हम अपने हिंजेस में इस तरह WD-40 स्प्रे को हम स्प्रे करेंगे तो ये उसको काफ़ी लुब्रिकेंट सा बना देता है। इसकी हेल्प से आप नोटिस करेंगे दरवाजे में इस तरह के साउंड आने बंद हो जाते हैं। उसी तरह जो हमारे डोर के नॉब होते हैं, कई बार वो अटकते हैं और ढंग से खुलते और बंद नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम इसके नॉब में इस तरह अगर यहाँ पे स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ देंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर में वो साउंड आनी उसमें कम हो जाएगी और वो काफ़ी फ्लैक्सीबल हो जाते हैं। तो इस तरह WD-40 का जो स्प्रे है इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब भी हम मार्केट से कुछ परचेज करते हैं तो उसमें इस तरह के स्टिकर्स रहते हैं, और जब हम इस प्राइस टैग के स्टिकर को निकालते हैं तो कई बार ये अच्छे से नहीं निकलते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे WD-40 स्प्रे को मार देंगे एक बार, और उसके बाद हम एक स्क्रबर की हेल्प से इसको क्लीन करेंगे। तो आप रिजल्ट्स खुद ही देख सकते हैं कि कितने आराम से ये पूरा स्टिकर निकल चुका है, जो धोने से भी नहीं निकलता इतने आराम से। Now you can see कि ये बोल कितना क्लियर हो चुका है। एक क्लॉथ की हेल्प से हमने इसको वाइप भी कर दिया है। हम सभी को जंक ज्वेलरी का, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत शौक होता है और मुझे भी ये शौक है। आप देखेंगे कि ये काफ़ी काली पड़ गई है ओवर द टाइम, इस तरह की ज्वेलरी काफ़ी ब्लैकिश से होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने WD-40 का स्प्रे इसके ऊपर कर दिया है और थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है। आप खुद ही नोटिस करेंगे कि कहीं कहीं पे जो ब्लैकनेस है अब पहले से कम हो गई है। अभी तो हमने इसको स्क्रब भी नहीं किया, बट इसका रिजल्ट आप अभी से देख सकते हैं। तो चलिए अब एक ब्रश की हेल्प से हम इसको हल्का हल्का स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसको स्क्रब करेंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्लैक सा इसमें से ये निकलने लग गया है, जो इसमें जो ये इस तरह का जो ये ब्लैकनेस आ गई थी ये इस ब्रश की हेल्प से निकल रही है काफ़ी आसानी से। मतलब मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हल्का हल्का मैंने इसको स्क्रब किया और इसमें काफ़ी सारी जो ये ब्लैकनेस थी ये इसमें से साफ हो गई है। आप इसको देखिए, इसको वाइप करने के बाद ये ज्वेलरी कितनी शाइनी हो गई है, कितने अच्छे से चमक रही है, और उसके अंदर जो काफ़ी सारी जो ब्लैकनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसने मेरी ज्वेलरी को बिल्कुल नया बना दिया है, बिल्कुल नए जैसी ये लग रही है। सो WD-40 का जो स्प्रे है वो ज्वेलरी के ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इस तरह के जो मैट होते हैं या रग होते हैं, कभी कभी उसमें कुछ खाने के आइटम ऐसे चिपक जाते हैं जो ब्रश से भी नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे WD-40 का स्प्रे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ कैंडल का जो वैक्स था वो चिपक गया था, तो इसके ऊपर मैंने ये स्प्रे कर दिया है, और थोड़ी देर हम इसको छोड़ने के बाद एक ब्रश की हेल्प से इसको ऐसे स्क्रब करेंगे। अब ये काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से हम इसको अच्छे से इसको वाइप कर देंगे, इसको पोंछ देंगे, और रिजल्ट्स आपके सामने ही है। देखिए मैट बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की कोई वैक्स, कोई भी च्यू का निशान अभी यहाँ पे नहीं है, ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। That's all for today's video. Hopefully, ये video आपको काफी useful लगा हो। If you like this product, इसका link मैंने description box में share कर दिया है, आप इसको वहां से purchase कर सकते हैं। If you like this video, so please share it with your family and friends, and also consider subscribing to my channel, My Space, My Living. And don't forget to follow me on my Instagram. My Instagram handle is My Space, My Living. Take care. Bye bye.